नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं देहरादून के परेड मैदान में, जहां पर कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत पुरुषों में फाइनल मुकाबला दिल्ली वर्सेज चेन्नई के बीच खेला जा रहा है। आइए देखते हैं इस मैच के कुछ अंश। चेन्नई के खिलाड़ी ने पहली रेड के लिए आगे बढ़ते हुए आराम से रेड कर रहे हैं और यह पहला पॉइंट दिल्ली के संदीप नरवाल लेते हुए पहला डिफेंस पॉइंट अर्जित किया है दिल्ली की टीम ने। राहुल चौधरी दिल्ली की टीम से रेड के लिए आगे बढ़ते हुए सुपरस्टार है भारतीय कबड्डी के, 9 नंबर जर्सी, और बहुत अच्छा पॉइंट आराम से ये अर्जित करते हुए 1 पॉइंट दिल्ली 2-0 से आगे। दिल्ली सेक्रेटरेट की टीम इस समय थोड़े से अनकम्फर्टेबल दिख रहे हैं। राहुल चौधरी, शायद नींद लग गई है इनकी डायरेक्ट कोर्ट पे। चेन्नई की खिलाड़ी रेड के लिए तैयार। सूझबूझ के साथ रेड करते हुए चेन्नई के खिलाड़ी आराम से, और देखिए रेड के लिए संदीप नरवाल आगे बढ़े हैं सीधा दिल्ली सेक्रेटरेट के लिए। 2-0 से आगे समय दिल्ली की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। समय दिल्ली की टीम कंफर्टेबली रेड करते हुए डिफेंस में अपना पूरा भरोसा पूरा समय ले रहे हैं। इस समय संदीप नरवाल, जाने माने खिलाड़ी भारतीय कबड्डी के, एम्प्टी रेड दिल्ली के लिए। चेन्नई की टीम के खिलाड़ी रेड के लिए तैयार, पाले में घुसते हुए बोनस अंक के लिए ट्राई करते हुए, लेकिन नहीं, आराम से अच्छी रेड कर रही है चेन्नई की टीम, मैच में बनी हुई है। और प्रदीप नरवाल दिल्ली के लिए रेड करते हुए, बहुत ही शानदार खिलाड़ी रहे, प्रो कबड्डी लीग के भी है सुपरस्टार, भारतीय कबड्डी के सुपरस्टार, डुबकी किंग कहा जाता है प्रदीप नरवाल को। पहले ही पॉइंट में प्रदीप नरवाल को धर लिया गया चेन्नई के डिफेंस द्वारा। बहुत अच्छा पॉइंट चेन्नई के खिलाड़ियों द्वारा, 2-1 से इस समय दिल्ली आगे। चेन्नई के खिलाड़ी रेड के लिए तैयार, चेन्नई वापसी करती हुई मैच में, और रेड पॉइंट फिर से डिफेंस पॉइंट चेन्नई के, 1 पॉइंट दिल्ली के लिए इस समय अर्जित किया दिल्ली के डिफेंस ने। राहुल चौधरी रेड के लिए तैयार, राहुल चौधरी भी बहुत बड़े प्लेयर भारतीय कबड्डी के, आराम से रेड के लिए प्लेयर ढूंढते हुए राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर ढूंढ रहे हैं। एक पॉइंट दिल्ली के नाम, 4-1 से इस समय दिल्ली आगे। चेन्नई के टीम का खिलाड़ी रेड के लिए आगे बढ़ता हुआ, और बहुत ही अच्छा पॉइंट अर्जित किया चेन्नई के खिलाड़ी ने, संदीप नरवाल को आउट किया लेफ्ट डिफेंस, बहुत अच्छा पॉइंट अर्जित किया है चेन्नई के खिलाड़ियों ने। राहुल चौधरी फिर से रेड के लिए तैयार, जगह ढूंढ रहे हैं राहुल चौधरी, कहां से अंक अर्जित किया जाए, खिलाड़ी को आउट किया जाए। रनिंग एंड टच करते हैं राहुल चौधरी, बहुत अच्छा ऑलराउंडर हैं दिल्ली के लिए और भारतीय टीम के लिए भी, पूरा समय लेते हुए राहुल चौधरी, रेड खत्म, एम्प्टी रेड चेन्नई के खिलाड़ी द्वारा, रेड की शुरुआत, जगन इस समय रेड कर रहे हैं चेन्नई के लिए, बहुत अच्छी रेड की थी उन्होंने पिछली, और ये वाली रेड भी बहुत आसानी से उन्होंने की है, 2 पॉइंट शायद मिलते हुए, 1 पॉइंट चेन्नई की टीम क्लेम कर रही है 2 पॉइंट के लिए, 1 पॉइंट मिला है चेन्नई को, बहुत अच्छा खेल रही है चेन्नई की टीम इस समय।
और प्रदीप नरवाल डुप किकिंग फिर से रेड के लिए मैदान में जगह ढूंढ रहे हैं। प्रदीप नरवाल पिछली रेड में आउट हो गए थे, अभी तक एक भी पॉइंट नहीं बनाया प्रदीप नरवाल ने। एम्प्टी रेड दिल्ली के लिए, चेन्नई की तरफ से फिर से जगन रेड के लिए आगे बढ़ते हुए 5 खिलाड़ी समय मौजूद दिल्ली के कोर्ट पे। दीपक निवास हुड्डा, राहुल चौधरी, प्रदीप नरवाल, और बहुत आसानी से आउट कर दिया है दिल्ली ने जगन को। एक पॉइंट दिल्ली के नाम। संदीप नरवाल रेड करते हुए रेड के लिए देख रहे हैं संदीप नरवाल किस खिलाड़ी को निशाना बनाया जाए। रनिंग हैंड टच की कोशिश करी लेकिन असफल, बिल्कुल कॉर्नर पे धकेल दिया है। और इस बार संदीप नरवाल आउट। बहुत अच्छा पॉइंट अर्जित किया है चेन्नई की टीम ने। ये सुपरस्टारों से सुसज्जित दिल्ली की टीम को कड़ी टक्कर देती हुई चेन्नई की टीम। डी कुमार रेड करते हुए चेन्नई के लिए, फिर से 5 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद दिल्ली के लिए। 2 खिलाड़ी इस समय आउट डगआउट में बैठे हुए हैं। प्रदीप नरवाल रेड के लिए जाते हुए डुबकी किंग, भारतीय कबड्डी के सुपरस्टार, बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई चेन्नई। प्रदीप नरवाल जगह ढूंढ रहे हैं प्लेयर्स को आउट करने के लिए। प्रदीप नरवाल जगह बनाते हुए बोनस के लिए ट्राई किया। एम्प्टी रेड दिल्ली। जगन इस समय चेन्नई के लिए रेड करते हैं, बहुत ही अच्छी रेड कर रहे हैं ये। 2 पॉइंट भी अर्जित किए इन्होंने अपनी टीम के लिए। और टच करते हुए आराम से 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है चेन्नई के जगन ने। दिल्ली की टीम इस समय पिछड़ती हुई, वापसी करती हुई चेन्नई की टीम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है और रेड में पॉइंट कमा रही है चेन्नई की टीम। सबसे अच्छी बात यह है रेड में सक्सेसफुल रेड्स कर रही है लगातार। प्रदीप नरवाल पे समय पूरा दारमोदार टीम का, ऑल आउट बचाने के लिए 3 खिलाड़ी प्रदीप नरवाल को मिला के समय कोर्ट पर मौजूद दिल्ली के लिए। बोनस के लिए ट्राई किया लेकिन, और बोनस मिलेगा, 1 बोनस पॉइंट दिल्ली को। चेन्नई के लिए फिर से रेड के लिए तैयार श्री राम चेन्नई के लिए रेड कर रहे हैं। सिर्फ 3 खिलाड़ी मौजूद और सुपर टैकल ऑन दिल्ली के लिए। दिल्ली ऑल आउट होने की कगार पे एम्प्टी रेड चेन्नई सुपर किंग्स। रेड के लिए तैयार दिल्ली के खिलाड़ी। राकेश रेड कर रहे हैं दिल्ली के लिए इस समय। और आउट, आसानी से डिफेंस में पॉइंट अर्जित करते हुए चेन्नई की टीम। दिल्ली ऑल आउट होने के कगार पर सिर्फ 2 पॉइंट बचे हैं, 2 खिलाड़ी बचे हैं कोर्ट पर। सुपर टैकल ऑन दिल्ली के लिए और चेन्नई के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर दिल्ली को ऑल आउट देने का। श्री राम रेड कर रहे हैं समय चेन्नई के लिए। सामान्यतः ये आसान पॉइंट्स होते हैं रेडर के लिए, 2 खिलाड़ी जब होते हैं उनके मौजूद, लेकिन सुपर टैकल बना लिया है दिल्ली की टीम ने जिसमें कि 2 अंक दिल्ली को मिले और 1 खिलाड़ी रिलीव हुआ, वो फिर से मैदान पर आएगा।
दिल्ली की टीम अभी भी जीवित। प्रदीप नरवाल रेड करते हुए, चेन्नई ने अपना दबदबा बना लिया है मैच में, अच्छे से कंट्रोल कर रही है चेन्नई की टीम। एम्प्टी रेड प्रदीप नरवाल के लिए, अभी तक कोई रेड पॉइंट नहीं है प्रदीप नरवाल के लिए अभी तक। चेन्नई के लिए रेड शुरू करते हुए जगन, बहुत अच्छे रेडर हैं, इन्होंने 2 पॉइंट टीम के लिए बनाए हैं अभी तक, बहुत अच्छा रेड कर रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर को खासकर प्रेशर में डाल रहे हैं। दिल्ली का डिफेंस इस समय कमजोर साबित होता हुआ चेन्नई के सामने, आराम से प्रदीप नरवाल फिर से रेड के लिए आते हुए। तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं ये भारतीय कबड्डी के, इस समय यूपी योद्धास के लिए खेल रहे हैं, और आसानी से आउट कर लिया है प्रदीप नरवाल को चेन्नई की टीम ने फिर से। 1 पॉइंट चेन्नई के लिए, चेन्नई की टीम ने इस मैच में दबदबा बना लिया है अपना, अच्छा खेल रही है चेन्नई की टीम, और दिल्ली की सितारों से सुसज्जित टीम को इस समय ऑल आउट के कगार पर धकेला हुआ है चेन्नई की टीम ने। फिर से सुपर टैकल ऑन दिल्ली के लिए, जगन रेड कर रहे हैं चेन्नई के लिए, इस समय पूरी होशियारी से कि पॉइंट ना दे बैठे, पिछली बार सुपर टैकल बना लिया था दिल्ली ने और आसानी से, लेकिन इस बार एम्प्टी जाने दिया रेड को। दिल्ली के लिए गुरदीप रेड करते हुए, ऑल आउट बचाना दिल्ली के लिए इस समय बहुत बड़ी समस्या, ऑल आउट होने के कगार पे दिल्ली खड़ी है इस समय। पूरा समय लेते हुए रेड के लिए चेन्नई की टीम के खिलाड़ी फिर से रेड के लिए जाते हुए, श्री राम रेड कर रहे हैं दिल्ली के लिए सुपर टैकल ऑन। क्या ऑल आउट बचा पाएगी दिल्ली की टीम, देखना होगा, और ये फिर से सुपर टैकल बना लिया है दिल्ली ने, बहुत बढ़िया वापसी कर रही है दिल्ली की टीम, बाल बाल अपने आप को ऑल आउट से बचा रही है। संदीप नरवाल दिल्ली के लिए समय रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छे रेडर माने जाते हैं ये भी कबड्डी में। देखना होगा क्या इस रेड पॉइंट पे ये अंक बना पाएंगे या नहीं, और उन्होंने बाहर पटक दिया है संदीप नरवाल को। 1 पॉइंट चेन्नई की टीम को, जगन फिर से चेन्नई के लिए रेड के लिए तैयार। दिल्ली पे ऑल आउट का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, सिर्फ 2 खिलाड़ी शेष बचे हुए, देखने वाली बात होगी जगन इस मौके पर क्या दिल्ली को ऑल आउट कर पाएंगे। 2 बार सुपर टैकल हो चुका है दिल्ली के लिए, आसानी से पॉइंट बनाते हुए, और दिल्ली ऑल आउट, इसी के साथ चेन्नई बहुत आसानी से इस मैच में आगे बढ़ते हुए, बहुत अच्छी लीड कर रही है चेन्नई। दिल्ली के लिए सोचना होगा कि अपनी रणनीति में क्या बदलाव करें कि फिर से मैच बना जाए, और राहुल चौधरी रेड के लिए तैयार। चेन्नई के खिलाड़ी रेड के लिए तैयार, डी कुमार रेड कर रहे हैं चेन्नई के लिए, 13-11 से आगे समय चेन्नई। आराम से समय लेते हुए दिल्ली के रेडर प्रदीप नरवाल रेड के लिए आए हैं दिल्ली की तरफ से, क्या इस रेड में पॉइंट अर्जित कर पाएंगे, वही अपेक्षा की जा रही है दिल्ली की टीम की इनसे द्वारा कि पॉइंट अटैम्प्ट कर पाएंगे या नहीं। दो पॉइंट दिल्ली की टीम को मिलते हैं, प्रदीप नरवाल ने 2 पॉइंट बना लिए हैं, और इस समय
बराबरी पर आ चुका है स्कोर 13-13 के। चेन्नई के खिलाड़ी रेड के लिए तैयार, जगन चेन्नई के खिलाड़ी रेड कर रहे हैं। चेन्नई ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अभी तक मुकाबले को बनाए रखा है। राहुल चौधरी और संदीप नरवाल की जोड़ी लेफ्ट कॉर्नर में, प्रदीप नरवाल रेड के लिए तैयार फिर से। अभी पिछली रेड में इन्होंने 2 पॉइंट बनाए अपनी टीम के लिए, और ऑल आउट की तरफ नज़र प्रदीप नरवाल की समय अपनी टीम के लिए। डुबकी किंग कहा जाता है इन्हें, प्रदीप नरवाल ढूंढ रहे हैं अपना शिकार, किसको अंक बनाया पॉइंट बनाया जाए। वापसी आते हुए कोई टच नहीं, प्रदीप नरवाल चेन्नई के खिलाड़ी रेड के लिए तैयार। डी कुमार रेड कर रहे हैं चेन्नई के लिए, स्कोर 13-13 की बराबरी पर। दिल्ली की टीम एक बार ऑल आउट हो चुकी है आसानी से, चेन्नई ने दिल्ली की टीम ने चेन्नई के रेडर को आउट किया, कोई मौका नहीं चेन्नई के रेडर के पास। डी कुमार बाहर जाते हुए, प्रदीप नरवाल रेड करते हुए, और दिल्ली इस समय चेन्नई को ऑल आउट करने की कोशिश कर रही है। 4 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद चेन्नई के। और प्रदीप नरवाल फिर से आउट, अच्छा टैकल किया चेन्नई की टीम ने। 14-14 से स्कोर फिर से बराबर, बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है, कोई मौका नहीं किसी टीम के पास आगे निकलने के लिए। पल भर में कोई आगे हो रहा है। जगन चेन्नई के रेड करते हुए, लेफ्ट कॉर्नर पे निगाहें बनी हुई है चेन्नई की। जाने दिया एम्प्टी रेड चेन्नई के लिए। राहुल चौधरी दिल्ली के लिए रेड के लिए करते हुए, राहुल चौधरी चेन्नई का डिफेंस बिल्कुल तत्पर इस समय। राहुल चौधरी अभी भी रेड के लिए मौका बना रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर पे निगाहें हैं चेन्नई के, जिन्होंने अभी तक मैक्सिमम पॉइंट्स लिए हैं चेन्नई के लिए। एम्प्टी रेड दिल्ली के लिए, श्री राम चेन्नई के लिए रेड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कंफर्टेबल लग रहे हैं श्री राम। स्लाइस करते हुए लेकिन नहीं, कोई रनिंग एंड टच नहीं, और एक टच क्लेम किया है चेन्नई के खिलाड़ी ने। श्री राम ने बहुत अच्छा पॉइंट बनाया है, ये रनिंग एंड टच किया है। चेन्नई फिर से 15-14 से आगे, एक पॉइंट की बढ़त के साथ चेन्नई आगे। राहुल चौधरी को आउट कर दिया है चेन्नई के खिलाड़ी ने, फिर से राहुल चौधरी टैकल हो गए हैं। 16-14 से चेन्नई फिर से आगे। जगन चेन्नई के लिए रेड करते हुए, 4 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद इस समय दिल्ली के। फिर से ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है चेन्नई के, दिल्ली के ऊपर। दीपक निवास हुड्डा संदीप नरवाल अभी भी कोर्ट पर मौजूद। दीपक निवास हुड्डा रेड के लिए, दीपक निवास हुड्डा पे दारोमदार अभी तक कम रेड किए इन्होंने दिल्ली के लिए। चेन्नई की टीम अच्छा खेल रही है 2 अंकों की बढ़त के साथ, कोई मौका नहीं दीपक निवास हुड्डा के लिए अंक बनाने का। एम्प्टी रेड दिल्ली के लिए, 4 खिलाड़ी मौजूद दिल्ली के समय कोर्ट पर, और चेन्नई के पूरे 7। जगन चेन्नई के लिए रेड करते हुए फ्लाइंग किक की कोशिश कर रहे हैं और टच करने का प्रयास कर रहे हैं। जगन अच्छे रेडर हैं चेन्नई के लिए,
संदीप नरवाल दिल्ली के लिए रेड करते हुए, काफ़ी उम्मीदें इनसे कि दिल्ली के लिए कुछ पॉइंट अर्जित करें। और ये सडन बैक हुए और पीछे मुड़ के एक पॉइंट अर्जित करना चाह रहे थे। चेन्नई का डिफेंस काफ़ी एक्टिव, अवेयर है कि क्या रनिंग एंड टच क्लेम करते हुए, लेकिन नहीं, असफल। एम्प्टी रेड दिल्ली के लिए। दिल्ली की टीम समय चार खिलाड़ियों के साथ कोर्ट पर मौजूद और ये रेड एम्प्टी जाने दी। डू और डाई रेड दिल्ली के लिए। दीपक निवास हुड्डा और एक पॉइंट आराम से, दो पॉइंट को उन्होंने अर्जित किया। दिल्ली के दीपक निवास हुड्डा ने आराम से बराबरी पर ला दिया है स्कोर को 16-16 की। डी कुमार चेन्नई के लिए रेड के लिए दिल्ली के कोर्ट में। और ये पकड़ते हुए, लेकिन एक पॉइंट चेन्नई को, संदीप नरवाल आउट। दिल्ली के लिए फिर से एक पॉइंट की बढ़त चेन्नई के पास, 17-16 से चेन्नई लीड करती हुई। दीपक निवास हुड्डा फिर से रेड करने के लिए आए और आसानी से टैकल कर लिए गए दीपक निवास हुड्डा। 18-16 से चेन्नई लीड करती हुई, अच्छा खेल रही है चेन्नई। अभी तक ज़्यादातर मौक़ों पर बढ़त बनाए हुए है चेन्नई, भले वो एक या दो पॉइंट की हो। जगन फिर से रेड करते हुए चेन्नई के लिए, आसानी से एक पॉइंट अर्जित कर लिया चेन्नई ने। 19-16 की बढ़त इस समय चेन्नई के पास और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रेड दिल्ली के संदर्भ में। ऑल आउट होने से बचाना है दिल्ली को इस समय। प्रदीप नरवाल को एक बोनस पॉइंट के लिए ट्राई किया, शायद मिल भी गया है। प्रदीप नरवाल काफ़ी चौकन्ने, एम्प्टी रेड, एक बोनस दिल्ली के लिए। 19-17 का स्कोर, चेन्नई सुपर टैकल ऑन और दो पॉइंट बना लिए चेन्नई ने फिर से 21-17 की लीड के साथ। चेन्नई बहुत अच्छा खेल खेल रही है इस समय, चार अंकों की लीड के साथ और ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है। ये आखिरी खिलाड़ी प्रदीप नरवाल जो समय रेड कर रहे हैं दिल्ली के लिए। बोनस दे दिया गया है चेन्नई द्वारा दिल्ली को, लेकिन ऑल आउट का खतरा को टाल पाएंगे प्रदीप या नहीं, ये देखना होगा। पूरा दारमोदार और आउट हो गए दिल्ली, फिर से ऑल आउट। 6 अंकों की बढ़त बना ली है चेन्नई ने दिल्ली के ऊपर, 24-18 की बढ़त के साथ। डी कुमार रेड कर रहे हैं इस समय चेन्नई के लिए। दिल्ली दो बार ऑल आउट हो चुकी है और चेन्नई एक भी बार नहीं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना अच्छा खेल रही है चेन्नई। सुपरस्टार से सुसज्जित टीम को प्रेशर में ला दिया है दो बार ऑल आउट करके और 6 अंकों की अच्छी खासी बढ़त बना ली है। प्रदीप नरवाल रेड के लिए तैयार, फिर से प्रदीप नरवाल आउट। एक पॉइंट चेन्नई को, 25-18 की बढ़त के साथ चेन्नई इस समय मैच में बनी हुई है। जगन रेड कर रहे हैं समय चेन्नई के लिए। दिल्ली दिल्ली की टीम इस समय 6 खिलाड़ियों के साथ मौजूद। प्रदीप नरवाल बेंच पे, एम्प्टी रेड चेन्नई के लिए। राहुल चौधरी आए हैं दिल्ली के लिए रेड के लिए, बहुत दारोमदार है इनके ऊपर भी अपनी टीम के लिए अंक जुटाना। अभी तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है राहुल चौधरी का भी इस मुकाबले में, बहुत अच्छा खेल रही है चेन्नई अपने डिफेंस से खासकर।
कोई अंक नहीं, डू ऑर डाई रेड चेन्नई के लिए। श्री राम डू ऑर डाई रेड करते हुए और सफल आउट। अच्छा अंक बनाया ये दिल्ली ने। राहुल चौधरी रेड के लिए जाते हुए, पच्चीस 19 की बढ़त के साथ चेन्नई इस समय आराम से मैच में आगे चल रही है और उनका पूरा ध्यान टाइम वेस्ट पर होगा। बोनस ले ट्राई किया राहुल चौधरी ने लेकिन नहीं। जगन चेन्नई के लिए रेड करते हुए, दिल्ली के डिफेंस को आज भेदा है चेन्नई के रेडर्स ने, जिसकी वजह से 6 अंक की बढ़त अभी तक बनाई हुई है चेन्नई ने दिल्ली के ऊपर। प्रदीप नरवाल रेड के लिए आगे बढ़ते हुए, डू और डाई रेड दिल्ली के लिए प्रदीप नरवाल के द्वारा ली जा रही है। डू और डाई रेड में अंक बनाना अनिवार्य है, नहीं तो आप सेल्फ आउट हो जाएंगे। और आसानी से 2 पॉइंट दिल्ली बनाती हुई। पच्चीस 21 4 अंकों का फासला रह गया है दिल्ली और चेन्नई के बीच में। चेन्नई अभी भी 4 अंकों की बढ़त के साथ आगे। डी कुमार रेड करते हुए चेन्नई के लिए, रनिंग हैंड टच कोशिश और एक पॉइंट दिल्ली को मिलता हुआ चेन्नई का रेडर आउट। प्रदीप नरवाल जाते हुए, सुपर टैकल ऑन चेन्नई के लिए। अब प्रदीप नरवाल के लिए आसान हो जाएगा 3 खिलाड़ियों के बीच अंक बनाना। पच्चीस 22 स्कोर, 3 अंकों का फासला दोनों टीमों के बीच। चेन्नई अभी भी 3 अंकों के साथ आगे। चेन्नई के जगन रेड करते हुए चेन्नई की टीम के लिए, 3 अंकों की बढ़त के साथ इस समय चेन्नई आगे। एम्प्टी रेड चेन्नई के लिए। प्रदीप नरवाल इस समय रेड करते हुए दिल्ली के लिए, सुपर टैकल ऑन चेन्नई के लिए 3 अंकों की बढ़त के साथ। 25-22 से आगे इस समय चेन्नई। प्रदीप नरवाल क्या अंक बना पाएंगे इस रेड पर? जी नहीं, एम्प्टी रेड होती हुई दिल्ली के लिए। बोनस लाइन को कवर कर लिया है दिल्ली की टीम ने, कोई बोनस अंक देने के मूड में नहीं। जगन चेन्नई के लिए रेड करते हुए, एम्प्टी रेड शायद। प्रदीप नरवाल फिर से अपनी टीम के लिए रेड करते हुए, दिल्ली डू और डाई रेड है। और ये आराम से सुपर टैकल ऑन कर लिया है, सुपर टैकल ऑन। चेन्नई 27-22 से आगे इस समय। श्री राम इस समय चेन्नई के लिए रेड करते हुए और आउट कर दिया है दिल्ली ने। दिल्ली के डिफेंस ने आराम से चेन्नई के श्रीराम को 1 पॉइंट दिल्ली के नाम। प्रदीप नरवाल फिर से रेड के लिए जाते हुए, 4 अंकों का फासला दोनों टीमों के बीच। सुपर टैकल ऑन और 2 पॉइंट
लेते हुए दिल्ली की टीम प्रदीप नरवाल और एक 27-25 से इस समय चेन्नई अगर अकेले खिलाड़ी रह गए हैं चेन्नई के ये बालाजी समय रेड करते हुए चेन्नई के लिए आखिरी खिलाड़ी चेन्नई के सारा दारोमदार क्या ऑल आउट से बचा है पहली बार ऑल आउट होने से क्या बालाजी अपनी टीम को बचा पाएंगे और डिफेंस लाइन में घुसते हुए और आसानी से नहीं कोई पॉइंट नहीं देने के मूड में समय दिल्ली और रेड खत्म इसी के साथ 3 पॉइंट दिल्ली को 28-27 प्रदीप नरवाल रेड करते हुए 1 पॉइंट का बढ़त के साथ दिल्ली पहली बार मैच में और आखिरी क्षणों में बढ़त बनाई है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है लेकिन ये सुपर रेड्स 2 अंक प्रदीप नरवाल आराम से बटोर ले गए हैं 30-27 3 अंकों की बढ़त के साथ दिल्ली मैच में आगे बढ़ते हुए और चैंपियनशिप की तरफ शायद उन्होंने अपने अंतिम कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है और चेन्नई के खिलाड़ी रेड करते हुए चेन्नई के खिलाड़ी भी दौड़ने का श्रीराम चेन्नई के लिए रेड कर रहे हैं एक खिलाड़ी सेल्फ आउट हो गए हैं कोर्ट से बाहर चले गए 1 अंक दिल्ली को मिलता हुआ 4 अंकों की बढ़त के साथ दिल्ली आसानी से आगे बढ़ रही है जगन चेन्नई के लिए रेड करते हुए चेन्नई के आखिरी लम्हों में चेन्नई पिछड़ती हुई मैच में दिल्ली की टीम अच्छा खेल रही है और वापसी की है दिल्ली की टीम ने संदीप नरवाल लाइन छू के वापिस आते हुए पूरा समय ले रहे हैं रेड में और एक रन ऑल आउट संदीप नरवाल ने एक ही रेड में पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया है 6 अंक सुपर रेड 37-27 की बढ़त के साथ दिल्ली आगे बढ़ते हुए और अब लगभग फैसला हो चुका है कि दिल्ली शायद इस चैंपियनशिप को जीत जाएगी आसानी से 10 अंकों की बढ़त बहुत होती है कबड्डी में और वो भी आखिरी क्षणों में सेकंड हाफ के और बहुत अच्छा रेड पॉइंट ये चेन्नई के खिलाड़ियों द्वारा 1 पॉइंट चेन्नई के जगन को राहुल चौधरी दिल्ली के लिए रेड शुरू करते हुए बोनस के लिए ट्राई किया है 9 नंबर की जर्सी पहने दिल्ली सर्विसेज के लिए राहुल चौधरी आखिरी के 2 मिनट रेफरी द्वारा 37-28 की बढ़त के साथ दिल्ली समय 9 अंकों की लीड के साथ और अब बॉडी लैंग्वेज में फर्क आ चुका है दिल्ली के खिलाड़ियों में जो कि पहले काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहे थे अब थोड़े से हंसते हुए अब उन्हें अपनी जीत दिख रही है सामने राहुल चौधरी पूरा टाइम लेते हुए और अब पूरा टाइम का खेल रह गया है सिर्फ आसानी से पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं राहुल चौधरी और अब दिल्ली के लिए शायद औपचारिकता रह गई है
कोई चमत्कारी चेन्नई को इस हार से बचा सकता है। जगन फिर से चेन्नई के लिए रेड के लिए तैयार, बहुत मेहनत की है जगन ने अपनी टीम के लिए, काफी अंक भी बनाए हैं रेड में। इसी के साथ दिल्ली ने चेन्नई को हरा दिया है 37-28 के स्कोर के साथ। दिल्ली अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट की विजेता। आइए बातचीत करते हैं भारत के सुपरस्टार संदीप नरवाल जी से। संदीप जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसा लगा आपको यहाँ खेल? बिल्कुल बहुत अच्छा था, बहुत खुश था। मेन थी देखो, गेम तो हर जगह होते हैं, यहाँ पे जो खाने पीने का और जो मैट की सुविधा था ना और जो इंडोर हॉल था, ये मेरे को अभी तक जहाँ पे भी अगर सिविल सर्विसेज में गए हैं सबसे अच्छा यहीं लगा है मेरे को। और किस तरह की खास तैयारी की थी आपने इस टूर्नामेंट के लिए? देखो तैयारी तो वही बात है, अब पहले वाला काम नहीं है कि हर टीम प्रिपेयर हो गया आती है, एक एक डेढ़ डेढ़ महीना कैंप लगा के आती है। आपने हर मैच देखे, टप मैच हो रहे थे हर टीम के साथ। वही है कि बिल्कुल जो ग्राउंड में आने के बाद में जी जान लगा के मेहनत करके खेलता ना, एकजुट होकर खेलता, वही टीम विन होती है। कैसा रहा आयोजन आपके लिए, टूर्नामेंट कैसा रहा? टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा रहा, पिछले 3 साल से खेल रहा हूँ मैं, तो तीनों साल से हम फर्स्ट आ रहे हैं, तो टूर्नामेंट तो काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि फाइनल मैच काफ़ी अच्छा टफ मैच था। चेन्नई की टीम के लिए क्या कहेंगे, शुरू के पहले आप में तो उन्होंने बढ़त बना ली थी? चेन्नई की टीम पिछले साल भी बेहतरीन खेली थी, फाइनल खेली थी हमारे साथ और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, तो मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनके उनके फ्यूचर के लिए भी, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और आप लोगों की फिटनेस का राज क्या, इतने चुस्तीले फुर्तीले आप क्या क्या करते हैं प्रैक्टिस में? देखो हार्डवर्क ही होता है और एक डिसिप्लिन, जो जुनून होता है ना, उसके साथ कंटिन्यू खेल रहे हैं। और एक एथलीट के लिए इतने बड़े लेवल पर खेलने के लिए आपको फिटनेस तो चाहिए। और आपकी डाइट का कुछ इसमें विशेष रोल है? देखो डाइट का सबसे ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि हमें इतनी हार्डवर्क करना पड़ता है, अगर अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो रिकवरी भी नहीं होगी हमारी नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए, तो डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आइए बातचीत करते हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कबड्डी के सुपरस्टार राहुल चौधरी। राहुल भाई बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको यहाँ खेल के, किस तरह की सुविधा यहाँ की? मैं अभी तक चौथी पांचवी ऑल इंडिया सर्विसेज खेली है मैंने, तो यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी थी, ग्राउंड बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़्यादा यहाँ पब्लिक ने प्यार दिया, तो मैं चाहूँगा कि अगली बार भी अगर सिविल सर्विस हो तो यहाँ पे हो, बहुत अच्छा लगा खेल के। और आप ये टूर्नामेंट लगातार जीत रहे, तो क्या अब आदत सी हो गई है कि कुछ अलग नहीं लगता कि ये टूर्नामेंट हमारे बार जीतते हैं? एक्चुअली हाँ, क्योंकि हमारी टीम में सभी ऑलमोस्ट इंडिया रिप्रेजेंट प्लेयर हैं, सभी प्रदीप नरवाल, संदीप नरवाल, दीपक हुड्डा, काफ़ी सारे राकेश नरवाल, तो इतने अच्छे अच्छे प्लेयर देख के तो वैसे ही अगली टीम आधी हो जाती है, और इसे सकून के साथ खेलते हैं कि एक रेडर नहीं तो दूसरा रेडर करेगा, डिपेंड करेगा, तो इसलिए हम अच्छे से इजी खेलते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उत्तराखंड के लिए कुछ खास कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको देहरादून आके यहाँ के पहाड़ की वादियों में? देहरादून तो हमारा वैसे ही पड़ोसी है, क्योंकि मैं बिजनौर से रहने वाला हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है यहाँ पे, और यहाँ की जो जनता है बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं कहना चाहूँगा यहाँ के जो भी खेल स्पोर्ट्स में है कि अपने यहाँ की बढ़िया टीम बनाए और अपने अपने गेम को भी ऊपर लेके आए, अपनी टीम को ऊपर लेके आए। जितनी बार हम खेले या सर्विस टूर्नामेंट हमारी, हम आई गए मतलब फाइनल भी जीते हैं। सर आपको आदत हो गई है आपको टूर्नामेंट जीतने की, क्योंकि पहले आप में आप आराम से देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल आदत ही हो जाती है, मतलब कि बार बार इस टूर्नामेंट में आ रहे हैं, बार बार जीत रहे हैं, तो यही होता है कि आगे भी जीतते हैं, तो दुख भी होता है हार जाएँ तो, कभी ऐसा ना हो जाए कभी हार जाएँ, तो कोशिश यही रहती है कि जीत के जाएँ। आइए आप बातचीत करते हैं श्री राजेश ममगई जी से, जो कि इस आयोजन के नोडल ऑफिसर और प्रिंसिपल हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स एकेडमी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कवरेज के लिए आए इस हमारे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए, और जिसमें कि संपूर्ण पूरे देश से केंद्र सरकार के कर्मचारी प्लस राज्य सरकार के कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया है, और फाइनल में सेंट्रल सेक्रेटरीट दिल्ली वर्सेस आरएसबी चेन्नई के बीच मुकाबला हुआ पुरुष वर्ग में, जिसको सेंट्रल सेक्रेटरीट दिल्ली ने अच्छे स्कोर के साथ इस टूर्नामेंट में अपना नाम गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, और महिला वर्ग में हिमाचल प्रदेश बनाम आंध्र प्रदेश के साथ मैच हुआ है महिला वर्ग में, जिसमें हिमाचल प्रदेश ने अपने एक खिताब अपने नाम रखा है। सर इस तरह के आयोजन क्या महत्व रखते हैं, खास करके हमारी सोसाइटी में बच्चों के लिए जो अपकमिंग टैलेंट है,
बच्चों के ये इस तरह की प्रतियोगिताएँ शासन और केंद्र सरकार का उद्देश्य यही है कि जो हमारे कर्मचारी अधिकारी जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं और वो समय के साथ खेल में भी रुचि रखें और राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर आके ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लें और एक नेशनल इंटीग्रेशन का भी एक बहुत बड़ा एक पार्ट है इस टूर्नामेंट को कराने में। इसका उद्देश्य है कि हमारी राष्ट्रीय एकता हमारे बीच में जागृत हो और हम अच्छे अपने देश के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट का सफल आयोजन किया उत्तराखंड ने, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विगत वर्षों में जब से ये सिविल सर्विसेज शुरू हुआ है उत्तराखंड में ये पहली बार इस तरीके का आयोजन हुआ है। हमारे मुख्य सचिव साहब के निर्देशन जैसा उनका निर्देश रहा, गाइडेंस रहा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको प्रयास करके सिविल सर्विसेज का यहाँ पे आयोजन किया। और जैसा कि मुझे अन्य टीमों ने यहाँ आए हुए हमारे जो मेहमान हैं सभी लोगों ने बताया कि ये अभी तक का सबसे अच्छा कबड्डी का टूर्नामेंट रहा है। जितना भी आयोजन हुआ ये हमारे उत्तराखंड के लिए बड़े गर्व की बात है। उनका ये कथन हम लोगों के जितना भी हम लोगों ने मेहनत की है उसको सफल बताता है। और मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ कि अभी तक कबड्डी में इतनी ज़्यादा टीमों ने और इतने ज़्यादा प्लेयर्स ने कभी भी प्रतिभाग नहीं किया है, जो कि पहली बार उत्तराखंड में हुआ है। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट के मेंस का फाइनल मैच दिल्ली वर्सेस चेन्नई के बीच खेला गया, जिसमें कि एक कांटेदार मुकाबले में दिल्ली ने चेन्नई को आखिरी क्षणों में हराया, और इसी के साथ दिल्ली लगातार पाँचवीं बार अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग का खिताब जीता। इसी के साथ आज का कार्यक्रम ये समाप्त करते हैं, हमें इजाज़त दीजिए, अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।